इसी अनुरूप मुझे उम्मीद है कि आप वोट भी जोरदार तरीके से दोगे ऐसा लग रहा है। जो जनता 1.5 किलोमीटर पैदल चल के लेने आ सकती है और धूमधाम से के 1.5 किलोमीटर पैदल चलने स्वागत ने रूप में घोड़ा माते टीले करीन लावी सके, ये जनता वोट तो जोरदार आवी सके। मेरा इस क्षेत्र में पहले हो सकता है कई बार आना हुआ होगा, लेकिन इस सभा के नाम से इस ग्राम पंचायत में पहली बार आना हुआ है। मुझे उम्मीद है आप सब समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना आप सब समझ चुके हो, इन पार्टियों वालों ने क्या किया है क्या नहीं किया वो भी आपको पता है। और अपने भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मुझे अवसर मिला है और मैं आप सबको आज आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से ये नेता इधर उधर बिकने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से नेता हमारे लोगों को कांग्रेस बीजेपी में बांट के बेवकूफ बनाने का काम कर रहे थे, इस क्षेत्र में ये पार्टी आई, इस पार्टी आने के बाद ये उजागर हो गया और यह हता एक था ही। आज हमारे लोगों को बांटा जाता है, भले हमारे एससी का भाई हो, बीसी का भाई हो, अन्य भाई हो, हम सबको इधर इधर बांट बांट के वे सगा भाई किम नहीं भाई, एक भाई नाहड़े एक भाई बिलाड़े लट लिन हम अतमार रही पलो के मारी आई कांग्रेस ने, पलो के मारी आई कांग्रेस, लेकिन बे बेटा एक उस आई नहीं अड़ी आई थे बात नहीं करता। जिस मां ने पैदा किया है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, और जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और कांग्रेस और बीजेपी आई करी करी ने लड़ाई करी करी ने हमारे बापड़ा डोहा नहाड़े पिलाहाड़े नहाड़े पिलाहाड़े धक्का खाई खाई धक्का खाई खाई सप्पा पूरा था गया। और लास्ट में विचार जैसा धोखा देते हैं ये बीजेपी वाले कांग्रेस के खिलाफ बोल के बीजेपी की तरफ मजबूत बना देते लोगों को, और कांग्रेस वाले बीजेपी के खिलाफ बोल के हमारे लोगों को वफादार बना देते कांग्रेस का, और आज दोनों एक हो गए। जो नेता कांग्रेस के नाम से बड़ा हुआ पला बड़ा कांग्रेस का खाया पिया, और आज रणीस कांग्रेस ने क्या थोड़ी डाकनी इनकी, और वहां पर बीजेपी वाले भी हाल था ही क्या है कि लड़ी 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 थकी गया, कहीं हमें करा हम करा राजनीतिक में एक पद मढ़े मढ़े पट पिलने बार सप्पा। जो बीजेपी के हैं उनको भी कहना चाह रहा हूं मैं कि जो नेता कांग्रेस में रह के खड़ा बड़ा वो कांग्रेस का नहीं हुआ तो बीजेपी का भी नहीं हो सकता। हमारे यहां पर ओबीसी अन्य समाज और एससी समुदाय के भाई हैं, मैं कह रहा हूं कि वो आदमी आदिवासी समाज में पैदा हुआ, आदिवासी समाज का नहीं हुआ तो वो किसी दूसरे समाज का भी नहीं हो सकता है। वो लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने खुद के लिए लड़ने वाले लोग हैं वो लोग। आज हम ये विचारधारा आदिवासी समाज के लिए काम करती है और पूरे देश में एसटी एससी माइनॉरिटी ओबीसी के लिए काम करती है। हमारे साथ दिल से एससी समुदाय ओबीसी माइनॉरिटी का भाई जुड़ा हुआ है, और मैं सोचू कई बार मैं एक बार जगह बीजेपी ने जब झंडा लगेला था हमारे अन्य समाज के भाइयों के घर हैं यहाँ पर, पर आनंद भी कहना चाहूं मैं कि जो नेता आदिवासी में पैदा होकर आदिवासी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। सिर्फ तुमको कहेगा कि मैं ऐसा वैसा वैसा एम कर आपको चढ़ा के वोट लेने का काम करेगा, लेकिन आपका भी भला नहीं कर सकता। हम किसी का भला नहीं करेंगे लेकिन बुरा भी नहीं करेंगे, और जरूरत पड़ेगी हमारे पास किसी भी वर्ग का भाई आएगा वाजिब काम होगा कराएंगे। हमने 84 में किया, मैं कह दिया मैंने कहा सब बराबर ही नौक मारा है, पर मुड़का मत बया वालो हर हम हर किसी को, और आदिवासी समाज में हमारे बाप दादा का पहले से रीति रिवाज रहा है एक गांव में 500-511 किम नहीं भाई अधिक रहा तो बस था ही तुम्हारा एक गेर में एक गांव में 511 किम नहीं भाई, और इसी बीच में किसी अन्य समाज का एक आदमी आके रहता है तो उसकी सुरक्षा करते हैं उसकी छेड़छाड़ नहीं करते, ये समाज है वो। लेकिन राजनीतिक पार्टी वालों ने यहाँ घुसेड़ के हमारे समाज को तितर बितर करने का आज तक काम किया, आपस में लड़ाने का काम किया। हम तो कहते हैं कि जो कांग्रेस में बीजेपी में हो आप भी हमारे ही साथी हो, हमारे ही भाई हो, दिल खोल के आओ,
और ये पार्टी इस क्षेत्र में संवैधानिक प्रावधान को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और हमारे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसको लेके काम करेगी। आज भाजपा क्या कर रही है, भाजपा क्या धर्म का झंडा पकड़ा रही है सिर पे, क्या पकड़ा रही है, धर्म का झंडा। गैर गैर धर्म मुकलवानी बात करे लेकिन गैर गैर शिक्षा वाल मुकलवानी बात नहीं करते। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।